सूरह फातिहा की रोशनी में खुदा और इंसान के ताल्लुक़ की नौईयत क्या है? क्या ये ताकत का ताल्लुक़ है जैसे मालिक और ग़ुलाम का, या मोहब्बत का जैसे महबूब और मुहिब का? ये बड़ी लंबी बहस है। मुख्तसर तौर पर अर्ज़ कर देता हूँ कि ये खालिक और मखलूक का रिश्ता है, आबिद और माबूद का रिश्ता है, बंदे और रब का ताल्लुक़ है, मालिक यौमिद्दीन और उस दिन पेश होने वाले मुजरिम और सालहीन का रिश्ता है। सूरह फातिहा ये रिश्ता बनाती है। मुहिब और महबूब का रिश्ता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुहिब और महबूब तो लाड प्यार की जगह है। मैं चाहूँ तो गुदूदी कर लूँ, चाहूँ तो कंघी कर दूँ, चाहूँ तो जुएँ निकाल दूँ, चाहे तो मिट्टी डाल दूँ, क्या खुदा के साथ इतना ही रिश्ता है मेरा बराबरी का? नहीं। हमारे यहाँ हुआ ये है कि हमने मज़हब को दफन करने के लिए कई रास्ते इख्तियार किए, उनमें से एक आशिक़ रसूल होने का और एक आशिक़ खुदा होने का तस्वर भी है। आशिक़ खुदा तो बस ऐसे ही है, असल में आशिक़ रसूल होते हैं। उससे हमने क्या किया कि हमने कहा कि असल चीज़ तो इश्क है, बेलौस मोहब्बत है, बेलौस मोहब्बत के बाद बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर बेलौस मोहब्बत में, चूँकि बेलौस मोहब्बत होती है, कोई रिवार्ड नहीं चाहती, तो फिर यहाँ तक बात पहुँची कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे मदीना दे दीजिएगा। तो मैंने एक बुज़ुर्गों से कहा कि वो बड़े कह रहे, तुम लोग किस लिए नमाज़ पढ़ते हो? मैंने कहा जन्नत में जाने के लिए, दोज़ख से बचने के लिए। उन्होंने कहा देखो असी कितने अच्छे हैं, असी तो सिर्फ मदीना जाने वास्ते नमाज़ पढ़ना। मैंने कहा अल्लाह ताला करे कि आपको मदीना ही वाली जन्नत दे, वहाँ जब आपको खजूरें तोड़ के खानी पड़ेंगी खुद, तो उस जन्नत में चले जाइएगा। तो अब ये खुदा के इश्क के साथ, रसूल के इश्क के साथ जहाँ तक बात पहुँचा दी गई, ये बड़ी ख़तरनाक जगह है, दीन से गुरेज की जगह है। तो खुदा के साथ हमारा ताल्लुक खुदा और बंदे का ताल्लुक है, मालिक और ममलूक का ताल्लुक है, और पालने वाले और पाले गए का ताल्लुक है। हम मोहताज हैं खुदा के, हम मोहब्बत करते हैं खुदा से, इस मानी में कि वो हमारा मालिक है, हमारा रब है, उसने पाला पोसा है, उसने इतना कुछ दिया हमें, हमारे ऊपर मेहरबान हो, इसलिए मोहब्बत करते हैं। तो हमारी मोहब्बत वही होती है जो बच्चे की बाप के साथ होती है, जब वो उसको टॉफ़ी ला के देता है, जब वो उसके बीमारी में इलाज करवाता है, जब वो उसको स्कूल भेजता है, जब पढ़ाता है। तो जो मोहब्बत होती है बच्चे को अपने बाप से, बाप के इस रवैये की वजह से, वही हमारी मोहब्बत है। खुदा ताला की मोहब्बत हमारे साथ तभी होगी जब हम उसके इस बताए हुए दीन के मुताबिक अमल करेंगे, वरना वो कहते हैं मैं आग में डाल दूँगा, कोई मोहब्बत नहीं है। अल्फाज इतने सख्त हैं कि मैं इनको बुला दूँगा जिस तरह ने मुझे बुला दिया है दोज़ख में डालने के बाद। तो हम जिस लाड़ प्यार में रहते हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ नहीं है, वो असूलों का लाड़ प्यार है। वो लाड़ प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने बताया कि वो ऐसे खुदा हैं कि अपनी पेंटिंग बनाने के बाद उसको आग में नहीं फेंकना चाहते, अंबिया का एक पूरा सिलसिला है उनको निकालने के लिए, बच जाओ बच जाओ बच जाओ, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन वो आशिक और माशूकी वाला ताल्लुक नहीं है, हम बंदे हैं इसलिए मोहब्बत करते हैं, और वो हमारा रब है, पालनहार है, इसलिए मोहब्बत करते हैं।